हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2022 का क्वेश्चन, जो कि सीरीज से रिलेटेड है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, समेशन n बराबर 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज, यानी ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, तो p का क्या मान आएगा। तो मुझे पता है आप सभी साथी हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है इस क्वेश्चन के पीछे, वो ये है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से 3-4 कंसेप्ट और सीखने को मिले, और इन जनरल जो आप पर हार्मोनिक सीरीज या जो पी सीरीज टेस्ट पढ़ते हो उसका प्रूफ किस प्रकार किया जाता है, तो उसको देखें। इससे पहले जो लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द सीरीज समेशन 1 अपॉन एन की पावर 1/n इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, आपसे पूछा था कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n की पावर 1/n का मान कितना आता है, 1 आता, ये हम जानते हैं। तो सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होने का मतलब क्या है, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब इसके सम का मान ये n बराबर 1 टू इनफाइनाइट, तो ये सम अगर फाइनाइट क्वांटिटी आती है तब तो हम बोलते हैं सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये सम इनफाइनाइट क्वांटिटी आती है या ओसिलेट करती है तब हम बोलते हैं कि सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। इसके अलावा सीरीज को कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम इसका SOPS निकालते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो अगर SOPS क्या होती है, एक सीक्वेंस बनती है इसके पार्शियल सम की, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है देन ये सीरीज कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट देन इट इज़ ए डाइवर्जेंट। तो ये चीज़ें जो सीरीज की बेसिक डेफिनेशन वगैरह जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमें ये क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन में कौन सा रिजल्ट यूज आ रहा है उसको समझेंगे। तो एक रिजल्ट पढ़ते हो आप कि नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट, क्या है आपके पास नेसेसरी कंडीशन, फॉर कन्वर्जेंट सीरीज में है ये नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। आप में से काफ़ी साथियों को ये भी नहीं पता कि सर नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन में क्या डिफरेंस है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ नेसेसरी कंडीशन का, ए सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट देन या दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल्स टू जीरो, यानी सीरीज कन्वर्जेंट है देन जो लिमिट की वैल्यू है वो कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी मैं बोलूं इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल्स टू जीरो दिस डज नॉट इम्प्लाइज समेशन एक्स एन इज ए कन्वर्जेंट। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म की लिमिट जीरो आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो क्या है, इफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्स एन नॉन ज़ीरो दिस इम्प्लाइज समेशन एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट, क्या मैं बोलूं दिस इज डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट। ये तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट क्या है कि सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, अगर आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके nth टर्म की जो लिमिट है वो क्या आएगी, जीरो होगी। अगर nth टर्म की लिमिट जीरो हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज में आता है कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म की लिमिट नॉन जीरो है तो पक्का ही वो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात करूँ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, तो आपके पास कोई स्टेटमेंट p है, p इम्प्लाइज क्यों है, p इम्प्लाइज क्यों है, यानी p सही है देन q है, तो जो q है ये आपके पास नेसेसरी कंडीशन होती है। और
और जो आपके पास पी है ये सफिशियंट कंडीशन है, सफिशियंट कंडीशन। तो कन्वर्जेंट है देन मेरे पास क्या है, एनर टर्म की लिमिट जीरो है, तो यानी कि ये नेसेसरी कंडीशन है। या अपन नहीं बोलते कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी है वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है, और जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूटी के लिए सफिशियंट कंडीशन है। तो कई बार डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होना। सॉल्यूशन की मैं बात करूँ, समेशन वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, समेशन वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन। तो हम जानते हैं चूंकि लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पर एन की पावर वन बाई एन की लिमिट कितनी है, वन है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन का मान कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यानी इस सीरीज के जो एन टर्म की लिमिट है वो कितनी है, वो वन है, यानी ये नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज। तो ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर किसी सीरीज के एन टर्म की लिमिट नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज जो आपके पास सीरीज है इज ए नॉट कन्वर्जेंट। क्या है ये, नॉट कन्वर्जेंट। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट। तो यहां से ये तीन स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने, और इससे लगभग आपके 20-30% हैं वो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करें। तो अब हम ये इस क्वेश्चन पर आते हैं, और इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, कि समेशन एन बराबर जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन, ये सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। और ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होती है, जब मॉडुलस एक्स का मान लेस देन वन हो। इसका मतलब क्या है, एक्स का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में है, देन ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और कहाँ पर कन्वर्ज करेगी, वन अपॉन वन माइनस एक्स पर। अगर एक्स का मान एक या एक से बड़ा है, देन ये सीरीज क्या होगी, इनफाइनाइट पे डाइवर्ज होगी। अगर एक्स का मान यहाँ पर मैं वन ले लेता हूँ तो क्या जाएगा, समेशन वन, इसका मतलब वन प्लस कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम, तो इसका मान इनफाइनाइट आ गया। अगर मैं यहाँ पर दो ले लेता हूँ तो दो की पावर एन का मान, दो की पावर जीरो का मान वन प्लस दो की पावर वन प्लस दो की पावर टू प्लस डॉट डॉट, तो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा, तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक रिजल्ट आता है, कोची कंडेंसन टेस्ट। तो ये क्या बोल रहा है आपके पास, कि अगर ए एन एक डिक्रीजिंग सिक्वेंस है, तो आप सभी जानते हो कोई सिक्वेंस डिक्रीजिंग कब होती है, जब ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन जो आपके पास सिक्वेंस है ए एन वो क्या कहलाती है, डिक्रीजिंग सिक्वेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, डिक्रीजिंग, यानी कि ए वन है वो बड़ा है ए टू से, ए टू बड़ा है ए थ्री से, ए थ्री बड़ा है ए फोर से, ये सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो क्या है, ए एन आपके पास डिक्रीजिंग सिक्वेंस है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि सारे के सारे जो टर्म हैं इस सीरीज के, इस सिक्वेंस के, वो पॉजिटिव हैं। देन टू सीरीज समेशन ए एन एंड समेशन टू की पावर एन ए टू की पावर एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, यानी कोई सिक्वेंस है जो कि पॉजिटिव रियल नंबर की है और डिक्रीजिंग है, देन ये सीरीज ए एन और टू की पावर एन इंटू ए टू की पावर एन, ये सीरीज दोनों ही एक साथ या तो कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। तो ये है कोची कंडेंसन टेस्ट। ये वाला टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम देखेंगे किस प्रकार ये काम आता है। अब एक टेस्ट आता है हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज टेस्ट। तो ये क्या बोलता है कि सीरीज समेशन वन अपॉन एन की पावर पी, तो ये सीरीज को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूँ तो किस टाइप की सीरीज है ये, एन बराबर वन टू इनफाइनाइट, तो वन की पावर पी प्लस टू की पावर पी प्लस थ्री की पावर पी एंड सो। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब पी का मान क्या हो जाए, एक से बड़ा हो जाए। और ये सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब पी का मान एक से छोटा या बराबर हो जाए। तो अगर आपको ये टेस्ट याद है, इसको कई बार पी सीरीज टेस्ट बोल देते हैं और कई बार इसको हाइपर हार्मोनिक टेस्ट भी बोल देते हैं। तो अगर पी का मान एक से बड़ा है तो कन्वर्जेंट, और पी का मान एक से छोटा या बराबर हो तो डाइवर्जेंट।
इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर है। तो समेशन एन बराबर वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन की पावर पी इज कन्वर्जेंट, कब? जब पी का मान क्या होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। ध्यान रखना बराबर आ जाएगा या उससे छोटा होगा तो वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो एक से बड़ा कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है, इसको तो आप याद रखना। अब आपसे कोई पूछ ले बताओ ये सीरीज वन अपॉन एन ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, आपके दिमाग में है कि p का मान एक से बड़ा है तभी कन्वर्जेंट। यहाँ पर p का मान कितना है, वन है। दिस इम्प्लाइज सीरीज वन अपॉन एन इज ए डाइवर्जेंट, क्या है, डाइवर्जेंट। और अगर हम लिमिट निकालें n टेंस टू इनफाइनाइट पर, वन बाई एन का मान है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर हमने ऊपर देखा था थोड़ी देर पहले कि अगर किसी सीरीज के nth टर्म की लिमिट जीरो आ रही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इसकी जो लिमिट है वो जीरो आ रही है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। अगर आप दूसरी सीरीज लो वन अपॉन एन स्क्वायर, ये क्या है, p का मान यहाँ पर दो, दिस इम्प्लाइज कन्वर्जेंट। और यहाँ पर हम लिमिट देखें एन टेंस टू इन्फिनिटी पर वन अपॉन एन स्क्वायर की, वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ये तो आएगी भी, क्यों, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो उसके एन एटम की जो लिमिट है उसको जीरो होना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है। अब हम ये देखते हैं कि रिजल्ट प्रूफ कैसे होता है, ये चीज़ें कैसे प्रूफ होती हैं। तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इस रिजल्ट की आवश्यकता होती है, कोची कंडेंसन टेस्ट। तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया ताकि आपको एक और रिजल्ट देखने को मिले, एक और कंसेप्ट सीखने को मिले। अदरवाइज मैं यह को टेस्ट को लिखकर आपको वो क्वेश्चन करवा सकता था, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को सीखें और उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस कंसेप्ट के माध्यम से हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट है, इसको किस प्रकार प्रूव करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रूफ लिखता हूँ इसका। मेरे पास सीरीज क्या है, समेसन वन अपोन एन की पावर पी। तो यहाँ पर मैं लेके चलूँ ए एन कितना है, वन अपॉन एन की पावर पी, और दूसरा हमें क्या चाहिए, ए की पावर टू एन। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर एन है उसको रिप्लेस करना टू की पावर एन से, तो ये जाएगा टू की पावर एन की पावर पी, यानी वन अपॉन टू की पावर एन पी। तो क्या बोलता है वो टेस्ट, कि समेसन टू की पावर एन इंटू ए टू की पावर एन, अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारी जो मेन सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट है तो मेन सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n इंटू टू की पावर एन पी, दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एन पी, और दिस इज इक्वल्स टू समेसन 2 की पावर, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, समेसन 2 की पावर n को मना जाएगा 1 माइनस पी, और दिस इज इक्वल्स टू समेसन 2 की पावर 1 माइनस पी की होल पावर n। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, ये मेरे पास x है, x की पावर n, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या है, इस ये ज्योमेट्रिक सीरीज। और हम जानते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होती है, तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब मोड x का मान क्या हो, एक से छोटा। जब मोड x का मान कितना होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर दिस इम्प्लाइज शो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ, जब मोड एक्स का मान कितना होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, यानी टू की पावर वन माइनस पी का मोड है वो क्या होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज टू की पावर वन माइनस पी का मान है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं 2 की पावर 1 माइनस पी, इसका मान हमेशा ही कितना होगा, जीरो से तो बड़ा होगा ही होगा, इसका मान हमेशा ही जीरो से बड़ा होगा। तो मुझे ये इनक्वालिटी सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ से 2 की पावर 1 माइनस पी है वो एक से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं 2 की पावर जीरो करेंगे तो 1, 2 की पावर अगर पॉजिटिव करेंगे या मैं नेगेटिव करता हूँ 2 की पावर माइनस एक बट्टा दो, या मैं करूँ 2 की पावर माइनस वन तो कितना हो जाएगा 1 बाई टू, यानी हमेशा ही पॉजिटिव आना है। तो ये इनइक्वलिटी है वो तो हमेशा ही ट्रू है, हमें इस इनइक्वलिटी को और देखना है।
तो 2 की पावर 1 माइनस पी है वो 1 से छोटा है, तो दोनों साइड में क्या ले सकता हूँ, लॉग ले सकता हूँ जिसका बेस 2 हो, तो लॉग 2 2 की पावर 1 माइनस पी और लॉग 2 1। और हम जानते हैं कि जब लॉग ए एक्स क्या है मेरे पास, अगर a का मान 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन है वो आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर a का मान 0 से 1 में होता तो ये फंक्शन है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता, तो उस केस में इस इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता, लेकिन a का मान 1 से बड़ा है तो इस इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होगा। दिस इंप्लाइज यहाँ पर मेरे पास जाएगा 1 माइनस पी और लॉग 2 2, चूँकि लॉग ए का मान 1 होता है और लॉग ए 1 का मान 0, तो ये वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, दिस इज 0, यानी 1 माइनस पी है वो लेस देन 0 आ गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पी इज लेस देन माइनस 1, और हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पी का मान है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी पी का मान जब 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या है आपके पास, कन्वर्जेंट। तो हमने यही लिखा था कि जब पी का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट, इज ए डाइवर्जेंट इफ, तो डाइवर्जेंट कब होगी, जब 2 की पावर 1 माइनस पी का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, यानी 1 माइनस पी दोनों तरफ वापस लॉग लेंगे तो 1 माइनस पी का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी माइनस पी है वो ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, और वापस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का मान है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो जब पी का मान लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा उस केस में क्या हो जाएगी, ये सीरीज है ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, और p का मान अगर आप नेगेटिव लेते हो यानी ले लेते हैं माइनस 1, तो क्या बन जाएगी आपके पास सीरीज, ये 1 अपॉन n की पावर माइनस 1 यानी कि समेशन n, और ये सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो नेगेटिव पावर लोगे तो हमेशा ही ये डाइवर्जेंट हो जाएंगे, यानी 1 से छोटा या बराबर p का कोई भी मान लो हमेशा ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन 1 लेंगे दिस इज कन्वर्जेंट। तो ये था आपके पास हाइपर हार्मोनिक या p सीरीज टेस्ट। अब आपको इसको याद रखना है, रटना नहीं है, आपको याद रखना है कि क्या होता है, और इसका प्रूफ चाहिए तो कोची कंडेंसन टेस्ट से कर सकते हैं। तो ये वाला टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रखना ये अप्लाई कब होता है, जब आपके पास सीरीज है वो पॉजिटिव टर्म की हो और डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, उसी केस में ये टेस्ट है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमने हाइपर हार्मोनिक सीरीज या पी सीरीज टेस्ट, कोची कंडेंसन टेस्ट और ज्योमेट्रिक सीरीज, इन तीन टेस्टों को डिस्कस किया है और किस प्रकार इनको अप्लाई करते हैं ये भी सीखा है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीरीज के 4-5 कंसेप्ट हैं वो कवर कर लिए हैं, और एक था आपके पास होमवर्क, इसके माध्यम से भी हमने 2 से 3 रिजल्ट देख लिए। अब होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले और जो आपने रिजल्ट सीखे हैं इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, तो ये आपके पास होमवर्क हैं आज के। इस होमवर्क को देखने से पहले आपको एक छोटा सा और रिजल्ट ध्यान रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार MKR रिजल्ट है, मुझको तो रटो, इसको तो आपको याद रखना है, रटना ही। क्या है, डोमिनेटिंग बिहेवियर, यानी लॉग n है वो लेस देन होगा pn से, pn लेस देन होगा a की पावर n से, दिस इज लेस देन n फैक्टोरियल एंड दिस इज लेस देन n की पावर n। कब, जब n आपके पास नेचुरल नंबर है और n इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और a का मान 1 से बड़ा है, और जहाँ पर pn है ये क्या है, नॉन कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो ये कहाँ पर काम आता है, ये वाली चीज़ आपको लिमिट फाइंड आउट करने में काम आती है। तो कैसे, जैसे आपसे पूछे कि लिमिट, लिखता हूँ यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और आपसे पूछ लिया जाए 2 की पावर n, और नीचे आपके पास आ जाता है 2 की पावर n, और नीचे लिख देता हूँ मैं n की पावर 5, तो इसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी, तो आप क्या करोगे कि ये बना इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, या तो आप एल हॉस्पिटल लगाओ, कम से कम 5 बार आपको एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको ये वाला रिजल्ट पता है
ए की पावर एन है वो पॉलिनोमियल से क्या रहती है, वो काफ़ी बड़ा है, जब एन इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तो ये क्या है, ए की पावर एन ही तो है, ए का मान 2 आ गया, और ये पॉलिनोमियल आपका पी एन एक्स की पावर 5 होता है, तो यहाँ पर एन है तो एन की पावर 5, तो ये बड़ा है तो इसका मान कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर इसको उल्टा कर देते तो इसका मान 0 आ जाता। तो इस टाइप की जो लिमिट फाइंड आउट करने में ये वाली चीज़ है वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और काफ़ी कम समय में आप बता सकते हो कि इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी या इनफाइनाइट आएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये लिमिट वाले चैप्टर में या सीरीज पढ़ोगे या सीक्वेंस पढ़ोगे वहाँ पर हर बार काम आएगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें। तो ये आपके पास होमवर्क आज का, कि फर्स्ट एक सीरीज है 3/5 + 4/5² + 3/5³ + 3/5³ + 4/5 की पावर 4, तो आपको बताना ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। दूसरा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्वर्जेंट, यानी इस सीरीज में से कौन सी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। फर्स्ट है 1/(n)⁻⁶, सेकंड है 1/(n)⁻⁶, और जो सी ऑप्शन है वो है 1/(n)⁻⁶, और डी है 1/(ln⁻⁶). तो आपको बताना है इसमें से कौन कौन सी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, एक से ज़्यादा हैं वो सही हो सकते हैं। और मैं बता देता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ए बी सी डी पार्ट हैं, ये कोची कंडेंशन टेस्ट है उसके माध्यम से होंगे। तो अब आपको ये करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या जो आपका टेलीग्राम चैनल है राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पर आप इसको सेंड कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कहाँ पर ये मिस्टेक हो रही। तो ये चीज़ें जो साथी सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध होंगी, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए चीज़ें पढ़ाई जा रही। हालांकि जो साथी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी 2 मंथ बाद सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम है, तो उन्हीं को मध्य रखते हुए उन साथियों ने कहा कि सर हमारे लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करो, तो उनके लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ, और इस होमवर्क को करेंगे सॉल्व। तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।